अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को फैब्रिक पेंटिंग में इनसाइड और आउटसाइड शेडिंग करने का तरीका बता रही हूँ। इसके लिए जो सामान चाहिए होगा उसके अंदर है लाइट कलर का फैब्रिक, इसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइन को ट्रेस किया है। इसके अलावा है ब्रशेस, यहाँ पर मैंने लिया है शेडिंग के लिए 00 नंबर का है राउंड ब्रश, 4 नंबर का है राउंड ब्रश, इसके अलावा 2 और 4 नंबर के हैं फ्लैट ब्रशेस। फैब्रिक कलर मुख्तलिफ कंपनीज के आते हैं, आप जो भी कंपनीज में यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये मैट कलर हैं, एक्रेलिक कलर भी इन्हें कहते हैं। इसके शेड मैंने लिए हैं मजेंटा, येलो, ग्रीन और वाइट। इसके अलावा है वाटर ब्रश को वॉश करने के लिए, कलरिंग प्लेट, बाइंडर, वाटर, टिश्यू पेपर। यहाँ पे मैं कलर बना रही हूँ और इसके अंदर सबसे पहले मैं लाइट कलर की बेस बनाऊंगी, फिर उसके ऊपर डार्क कलर की आपको शेडिंग करना बताऊंगी। तो यहाँ पर पहले मैं ले रही हूँ वाइट कलर। व्हाइट कलर के अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने मजेंटा शेड की बनाई है। ये कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका नंबर है 015। आप इसमें अपनी मर्जी से कोई भी फ्लावर का कलर यूज़ कर सकते हैं। जितना कलर लेंगे उसकी हाफ क्वांटिटी इसके अंदर हम डालेंगे बाइंडर की। अगर आपको लगे कि कलर आपका थिक है तो आप इसमें इस तरीके से ड्रॉप की सूरत में पानी भी ऐड कर सकते हैं। शेडिंग के लिए इसी का ही मैं डार्क शेड लूंगी। आप एक चीज का ये ख्याल रखिएगा कि पानी सिर्फ उन्हीं कलर में डलेगा जो ज्यादा थिक होंगे। जो कलर थिक ना हो उसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे मुझे लीफ की बेस बनाने के लिए लाइट कलर चाहिए है लीफ का, तो ये जो येलो कलर है इसके अंदर ये मैंने अभी जो ग्रीन कलर को मिक्स करा है इसके ब्रश को, इस तरीके से करने के बाद मैं सिर्फ इसको मिक्स कर रही हूँ। ये चारों कलर रेडी हैं हमारे। टिश्यू पेपर आपको इस तरीके से हाथ में ही रखना है। सबसे पहले फ्लावर की बेस बनाएंगे और फ्लैट ब्रश इसमें यूज़ कर रही हूँ मैं। आउटलाइन के पास से बिल्कुल फिनिशिंग से कलर लगाना है और बिल्कुल करीब करीब ब्रश को फेरना है ताकि कलर जो है वो कपड़े में अच्छी तरीके से जज्ब हो जाए। इस तरीके से कलर लगाने के बाद फिर इसको अंदर की तरफ फिल करते हैं। जिस वक्त ये ड्राई होगा उसके बाद ही हम इसके ऊपर शेडिंग का काम करेंगे, इसलिए मैं अभी ये जो फ्लावर्स हैं इनकी पिंक कलर से बेस बना रही हूँ। लीफ की फिलिंग के लिए 2 नंबर का फ्लैट ब्रश लिया है। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ 4 नंबर का है मेरे पास ये राउंड ब्रश। ये बेस हमारी कंप्लीट हो गई है। जिस वक्त ये बेस ड्राई हो जाएगी उसके बाद इस पर शेडिंग का काम होगा। शेडिंग के लिए यूज़ करेंगे 00 नंबर का राउंड ब्रश।
यहाँ पर मैंने ये डार्क कलर लिया है शेडिंग के लिए। शेडिंग के लिए पहले आउटलाइन के ऊपर कलर लगाएंगे, उसके बाद सबसे पहले स्ट्रोक सेंटर में आएगा। यहाँ पे क्योंकि मैं आपको आज इनसाइड और आउटसाइड शेडिंग बता रही हूँ, तो इसलिए ब्रश के स्ट्रोक जो हैं वो बिल्कुल सीधे आएंगे। शेडिंग में अलग से आउटलाइन नहीं बनती, तो जिस वक्त आप लोग आउटलाइन के ऊपर कलर लगाएं तो कलर को बहुत फिनिशिंग से लगाइएगा। शेडिंग के लिए हमेशा आउटलाइन के ऊपर ही कलर लगाते हैं और उसी कलर को फैलाते हैं, और इसके अंदर थोड़ा पतला ब्रश या कम नंबर का ब्रश यूज़ में आता है। राउंड ब्रश से आप शेडिंग अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले ये स्ट्रोक लगाते हैं, ये स्ट्रोक जो हैं ये शेडिंग की डायरेक्शन को सेट करते हैं। लाइन पे ब्रश को टच करेंगे और इस तरीके से ब्रश को उठाएंगे। ब्रश के स्ट्रोक की लेंथ आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है शेडिंग करते वक्त कि जब हम शेडिंग के स्ट्रोक दे रहे हैं और कलर स्ट्रोक में नहीं आ रहा, तो उस वक्त दोबारा थोड़ा सा कलर लेके आउटलाइन पर लगाते हैं और फिर आउटलाइन के ही कलर को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ स्ट्रोक देते हैं। इसमें अलग से आउटलाइन नहीं बनती। स्ट्रोक देते वक्त अगर आपको लगे कि आउटलाइन के ऊपर कलर कम हो गया है और शेडिंग के स्ट्रोक सही नहीं आ रहे हैं, तो आउटलाइन पर दोबारा से कलर लगा के उसके स्ट्रोक दीजिएगा। डायरेक्ट कलर लेकर स्ट्रोक नहीं दीजिएगा। पेटल का या लीफ का जो भी शेप होता है उसी की डायरेक्शन के अंदर ब्रश के स्ट्रोक चलाते हैं। अगर आपकी पेटल राउंड शेप में आ रही है तो ब्रश के स्ट्रोक भी राउंड में ही आएंगे। यहाँ पे अब 4 नंबर का राउंड ब्रश यूज करेंगे। फ्लावर के सेंटर में येलो कलर लगाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।